मैं कैसे आप साहब आज आपके सामने बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार कोकोनट नारियल के लड्डू। और इसके लिए हमारे पास इंग्रेडिएंट्स में हैं ये नारियल जिसको इस तरह कद्दू क्रश किए हुए हैं, और शुगर है एक जैसा हमने लिया है, एक हाफ प्याली जो है वो शुगर है और एक प्याली हमारे पास नारियल है। उसके बाद ये एक कप जो है वो मिल्क है हमारे पास, और ये मैंने थोड़े से रखे हैं नारियल का बूरा, ये हम अपने लड्डू के ऊपर लगाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। पहले हमने अपना पैन लिया है और इसमें मैंने डाले अपने नारियल, और हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे ऐसे ही, क्योंकि इसका अपना भी ऑयल होता है तो ज़्यादा हम इसमें बटर या ऑयल यूज़ नहीं करेंगे। बस थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डालूंगी, तकरीबन 2 से 3 चम्मच। जी फ्रेंड्स, तो अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें फ्रेंड्स। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क और इसको दूध में अच्छे तरीके से पकाना है आपने, और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है ये और बहुत ही मज़ेदार। और इसको थोड़ा सा यहाँ पे पकाएंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे शुगर और अगर आपको टेस्ट अच्छा लगे तो आप इसमें इलायची का पाउडर और सौंफ का पाउडर यूज़ कर सकते हैं, ये आपके टेस्ट के हिसाब पर है जो आपको टेस्ट पसंद हो। इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे सौंफ का पाउडर, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर, इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से मेल्ट होने दें। जी फ्रेंड्स, तो देखें ये काफ़ी पानी छोड़ गया है और आपने इसको तब तक पकाना है जब तक कि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई ना हो जाए। और मैंने थोड़ा सा इसमें बटर यूज़ किया है, आप ही इसमें बटर यूज़ करिएगा क्योंकि जो ऑयल होता है वो पकता नहीं है, वो ऐसे ही अपना कार्ड छोड़ जाता है। फ्रेंड्स, तो देखें अब ये बिल्कुल ड्राई हो गया है और ये हाँ तकरीबन पक गया, और अब मैं अपनी फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर रही हूँ और इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम अपने लड्डू बना लेंगे। जी फ्रेंड्स, तो देखें हमारा जो हमने रेडी किया था पूरा वो बिल्कुल आप सही हो गया, ठंडा हो गया। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर बाहर निकालूंगी और इसमें कलर ऐड करूँगी, एक दो लड्डू जो है वो मैं कलरफुल बनाऊँगी आपके सामने, और उसके लिए मेरे पास कलर है, इसको मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ अच्छे तरीके से। आप इसको मिक्स कर लें, देखिए कितना प्यारा पिंकिश कलर आ गया। और ये हाथ पे थोड़ा सा बटर लगाया है और अब हम अपने जो लड्डू है वो बना लेते हैं। इसको इस तरीके से आप हाथ में लेके आप तैयार करें। ये मैंने बनाया है पिंक आपके सामने है। ये देखें हमारा लड्डू जो है वो बन गए, और इसके ऊपर अब हम थोड़ा सा व्हाइट बूरा लगाएंगे गरी का, देखिए तो इस तरीके से हमारा लड्डू जो है वो रेडी है, नारियल के लड्डू। इस तरीके से हम बाकी भी तैयार कर लेते हैं। अगर आप कलर डालना चाहें तो जो जो कलर आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमने सारे लड्डू तैयार करने हैं। जी फ्रेंड्स, तो एक लड्डू हम बनाएंगे थ्री इन वन, मतलब तीन कलर और एक लड्डू, बहुत ही मज़ेदार बनेगा और दिखने में बहुत ही खूबसूरत। इसके लिए